आज मेरे पास एक बेटॉन आई बॉल कंपनी का मॉडम है। इसकी सेटिंग हम करना सीखेंगे आज। इसकी लाइटों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पहली लाइट है पावर की, दूसरी है ADSL की, तीसरी इंटरनेट की और चौथी है आपकी WLAN जिसे वायरलेस हम कहते हैं। और फिर लास्ट लाइट लाइन की है 1 2 3 4 जो कनेक्ट करोगे आप कंप्यूटर से। तो इसको मैं कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर इसकी मॉडम की सेटिंग करते हैं। चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं। तो चलिए इस मॉडम की सेटिंग करते हैं। मैंने मॉडम को कनेक्ट कर लिया है कंप्यूटर के पीसी से और गूगल क्रोम में जाकर आप टाइप करो 192.168.1.1। लगभग हर एक मॉडम की आईपी यही होती है। यूजर नेम में एडमिन छोटे अक्षरों में ADMIN और पासवर्ड में एडमिन, दोनों में एडमिन आप भरिए और साइन इन कीजिए। ये आपका यूजर इंटरफेस खुल गया है। आई बॉल बेटॉन मॉडम है जिसकी सेटिंग हम करने वाले हैं। सेम ही सेटअप है, क्विक स्टार्ट पे जाइए, रन विजार्ड पे क्लिक कीजिए और इसे आप स्टेप सारे स्टेप्स को कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। टाइम जोन आपका सही चूज किया हुआ है। PPPoE ISP कनेक्शन होता है अपना और यूजर नेम में आपको पता ही है एजुकेटेड इलिटरेट है हमारा और पासवर्ड में पासवर्ड भर दो PASSWORD 035 BSNL के लिए होता है और LLC कनेक्शन टाइप, नेक्स्ट कीजिए। यह आपका आ गया WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एसेस पॉइंट एक्टिवेटेड है। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, कुछ ही भर दीजिए आप, जैसे कि मैं भर देता हूँ कुछ ही भर दो आप, जैसे कि एजुकेटेड में भर देता हूँ एजुकेटेड। और ऑथेंटिकेशन टाइप में WPA2PS की आप सिलेक्ट कीजिए और ये प्री शेयर्ड की आपका वाईफाई का पासवर्ड है, इसमें मैं भर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए। तो या ध्यान रहे ये वाईफाई आपके मोबाइल पे शो करेगा SSID और ये प्री शेयर्ड की आपका पासवर्ड है, इसे हमेशा याद रखिए और नेक्स्ट कीजिए। क्विक स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है अपना, नेक्स्ट करो। सेटिंग सेव हो रही है और क्लोज कर दीजिए। बस आपकी सेटिंग हो गई है। मैंने पेज को जूम कर दिया था और आपका वाईफाई का भी सेटिंग हो गया अपना, सारा कुछ सेटअप हो गया। नेटवर्क सेटअप पे जाकर आप चेक कर सकते हो, PVC 0 में एजुकेटेड इलिटरेट है और पासवर्ड है पासवर्ड। यहाँ से वायरलेस भी चेक कर सकते हो, वायरलेस में जाकर एजुकेटेड भरा था हमने SSID और पासवर्ड 1 से 8 तक है आपका, ठीक है। मेंटेनेंस में जाकर कुछ और सेटिंग कर लेते हैं। एसएस मैनेजमेंट में जाइए, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले को डीएक्टिवेट कर दीजिए और CWMP को भी डीएक्टिवेट कर दीजिए, दोनों को डीएक्टिवेट कर दीजिए आप। उसके बाद हमारी सेटिंग हो चुकी है मॉडम की, स्टेटस में जाकर आप चेक कर सकते हो। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि ये सारे आने की पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। चलिए मॉडम की सेटिंग हो गई है, वापस मॉडम पे चलते हैं, देखते हैं इंटरनेट हमारा चलता है या नहीं। चलिए मॉडम की सेटिंग हम कर चुके हैं और ये है लाइन की केबल जो एक्सचेंज से आ रही है। मैंने इसको DSL पोर्ट में इंसर्ट कर दिया है, इसको DSL पोर्ट में इंसर्ट कर दिया। आप देखते हैं मॉडम में कौन कौन सी लाइटें। पहले ADSL वाली लाइट आनी चाहिए, फिर इंटरनेट वाली लाइट आनी चाहिए। देखते हैं आती है या नहीं आती है। तो ADSL वाली लाइट ब्लिंक कर रही है, ADSL वाली स्टेबल हो गई, इंटरनेट वाली लाइट भी आ गई। इसका मतलब इंटरनेट हमारा ऑपरेशनल है, इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये था आई बेटॉन मॉडम की सेटिंग, किसको हम कैसे करें ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। थैंक यू।